أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوات الله تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے موسم کے اختلاف کو اپنی رحمت کا عنوان بنایا ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام اور نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے ہر موسم کو موسم ولایت بنایا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بالسعر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر خداوند تبارک و تعالی کہ اس نے ماہ مبارک رجب المرجب کا یہ پہلا جمعہ ہم سب کو نصیب کیا. یقیناً اس نے نعمت صحت و عافیت کے ساتھ اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، بستر سے اٹھا کر یہاں تک پہنچایا، انشاءاللہ یہاں سے اٹھا کر امام تک پہنچائے گا. ہے خدا، اور رجب کا چاند تو ہو گیا، زہرا کا چاند کم نمودار. پروردگار، بہت دن گزر گئے انتظار کرتے کرتے. یہ آنکھیں سب کو دیکھتی ہیں، لیکن اے فرزند زہرا، آپ کے چہرے کی زیارت سے اب تک محروم. یہ کان ساری آوازوں کو سنتے ہیں، لیکن اے حجت خدا، آپ کی آواز کو نہ ہی سرگوشیوں میں اور نہ ہی بلند آواز میں سن پائے. اے خدا، اب ہماری رجب کی یہ دعا قبول فرما. اے خدا، یا اسی مبارک مہینے میں ہم غلاموں کو اپنے مولا کا دیدار عطا فرما. چہرے امام علیہ السلام کی زیارت کو ہماری آنکھوں کا سرما قرار دے. قلب امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. پروردگار، ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد،
अपने अहल और अयाल अपने सारे अमवाल को इमाम अलैहिस्सलाम के कदमों पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले सामईन ग्रामी कदर हाजिन ज़बील तराम, आपकी खदमत मुक़दस में इस माह मुबारक के आगाज़ माह के अतबार से जुमतुल मुबारक के उनवान से ख़ास तौर से सूरह मुबारक ले इलाफ क़ुरैश की तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया। यह सूरह बहुत अजीम है। इस सूरह की अजमत सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि शाद फरमाते कि जो शख्स भी सूरह क़ुरैश इसमें सिर्फ चार आयतें हैं बिस्मिल्लाह के अलावा इन चार आयतों की तिलावत करेगा तो खुदा उसके नामे आमाल में 10 गुना ज्यादा हसनात लिखेगा उनकी तादाद से कि जो खाने काबा का तवाफ कर रहे। शायद आप तक की न्यूज़ पहुंची हो कि इस मरतबा अब तक ये 7वां महीना है हिजरी कैलेंडर के अतबार से और 7वें महीने तक 10 करोड़ अफराद ने खाने काबा की ज़ारत के शरफ को हासिल किया है। मैं चाहता हूँ ये 10 करोड़ के एतबार से प्लस 10 कर दीजिए तो आपके नाम आमाल में सवाब लिखा जाए। सूरह ले इलाफ क़ुरैश पढ़ने वालों के लिए 4 आयतें पढ़ने वालों के लिए अल्लाह के हबीब का फरमान कि जितने अफराद खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं उनकी तादाद से 10 गुना ज़्यादा हसनात हैं जो लिखे जाएंगे और जो खुदा के घर में एतकाफ करते हैं उन एतकाफ करने वालों के भी 10 गुना ज़्यादा तादाद में नेकियां लिखी जाएंगी ये सूरह क़ुरैश की तिलावत करें। उसके साथ साथ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए इरशाद फरमाते मौला के जो शख्स भी सूरह लैलाफ क़ुरैश की तिलावत करेगा खुदावंदे आलम उसे क़यामत में ऐसे महशूर करेगा कि वो जन्नत की सवारी पर बैठा हुआ होगा। बाकी पब्लिक पैदल चलेगी और सूरह क़ुरैश का कारी सवारी जन्नत में चलेगा यहाँ तक कि वो सवारी जन्नत उसे लेकर जन्नत के दस्तरखाने नूर तक पहुँचाएगी। अल्लाहु अकबर। इमाम के अल्फाज हैं घर तक नहीं दस्तरखान तक पहुंचाएगी, कब्र से उठाएगी सवारी, पिक एंड ड्रॉप कैसा है अल्लाहु अकबर, पिक यहां से ड्रॉप वहां पर है। सूरह क़ुरैश की तिलावत की बरकतें। फिर एक और रिवायत सरकार खत्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि इस शाक फरमाते हैं अल्लाह के हबीब के अगर किसी इंसान को किसी खाने पर शक हो, आजकल तो मौसम के एतबार से कुछ खाने हो सकता है आपकी तबीयत से मुआफ़िकत न करते हो, शक हो कि खाऊं तो कहीं नुकसान न हो जाए और दिल भी चाहता हो खाने का, तो सूरह क़ुरैश की तिलावत करके खाना खाइए, खाना नुकसान नहीं देगा। मगर जो इससे पहले की जिम्मेदारियां वो अलग मौजू हैं, सिर्फ नुकसान की बात की है। हलाल हलाल है, हराम हराम है, वाजिबात वाजिबात हैं, मुस्तहबात मुस्तहबात हैं। ऐसा ना हो कि इस जुमले को आप कहीं और तलवार पड़े मोहम्मद वाले और आपसे मुराद आप नहीं है, कोई सुनने वाला है जहाँ तक आवाज़ जा रही है। सूरह क़ुरैश पाक और पाकीज़ा ग़िज़ाओं पर उस वक्त पढ़िए जबकि आपको ये खौफ हो कि ये मुझे नुकसान न दे दे।
तो अल्लाह के हबीब का वादा है कि आप पढ़कर खाइए तो नुकसान से महफूज रहिएगा। फिर अगर इस सूरह को तिलावत करें और पानी पर दम कर दें, आजकल बहुत बड़ा मसला है कि नाकिस ग़िज़ाओं के एतबार से, कमज़ोर ग़िज़ाओं के एतबार से इंसान की बीमारियां, ख़ास दिल की बीमारियां, पता नहीं चलता, डायग्नोज नहीं हो पाता कि मसला दिल का है, दिल में क्या मसला हुआ है। तो अगर कोई इंसान सूरह कुरैश की तिलावत करे, पानी पर दम करके किसी ऐसे मरीज पे छिड़के जिससे दिल की प्रॉब्लम हो और सॉल्व ना हो रही हो, खुदा उसे उस मर्ज से निजात अता फरमा देता। सूरह कुरैश की चार आयतों में तीन बरकतें मैंने आप तक पहुंचा दी, दो रसूल खुदा की हदीस से और एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। सूरह कुरैश में क्या है, कुछ तस्किरा है नेमतों का, खुदा याद दिला रहा है। मक्के में नाजिल हुआ नंबर 24 है सूरह का नुजूल के एतबार से, कुरान के लिहाज से नंबर 106 है, आखिरी पारे के अंदर है, सबको जुबानी याद है, छोटा सा सूरा है। खुदा याद दिला रहा है उन नेमतों को जो खुदा ने मक्के वालों पर नाजिल की, और शायद मैं सब के सब तफसील बयान करता लेकिन वक्त को देखते हुए इतनी बात के सर्दी के मौसम को देखते हुए लफ्ज़ शता के अल्फाज तक पहुँचाया है। एक सर्दी है, गर्मी है, और ये दोनों मौसम खुदा ने बयान किए सूरह मुबारक लईलाफ कुरैश में। तर्जुमा लईलाफ कुरैश, याद रखिए बज़ाहिर तो कुरैश का नाम लिया, कुरैश निकला है कर्श से, कर्श कहते हैं ताजिर को, तो जो तिजारत करके खाते हो उन्हें कुरैश कहा जाता है, और ख़ास तौर से नजर बिन बनी के नाना की औलाद को कहा जाता है कुरैश, अलग अलग तारीफें हैं। ले इलाफ कुरैश, कुरैश के इलाफ के लिए खुदा ने उनके दिलों को नरम करने के लिए, इलाफहिम रहलत शिता वस्सईफ, जबकि वो सफ़र करते थे सर्दी का और गर्मी का, तो खुदा ने उनके लिए आसानियां पैदा की। ये सफ़र करते थे जानिब यमन जब सख्त सर्दी पड़ती थी, और जब सख्त गर्मी पड़ती थी सफ़र करते थे जानिब शाम, मौसम के देख एतबार से सर्दी में यमन जाते थे और गर्मी में शाम जाते थे माले तिजारत को लेकर। ले इला फहिम रहलत शताई वस्सईफ फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, बस अब किसी और के मुकाबले पर इन्हें चाहिए कि ये इस घर के रब की इबादत करें। फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, जिसने इन्हें खाना खिलाया भूख में, खाना खिलाया भूख में। तो भूख में तो इंसान काफिर हो सकता है, मगर खाना खाने के बाद काफिर हो जाए, ये बड़ी बदबख्ती है। अत अमहुम मिन जो व आमनहुम मिन खौफ, और खुदा ने उन्हें खौफ के हालत में अमन अता कर दिया है। ये तर्जुमे की हद तक तफसीर छोड़ते हुए कि ताकि असली उनवान पर आ सकें, सर्दी और गर्मी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुक़द्दस इमाम इरशाद फरमाते हैं कि सर्दी का मौसम और गर्मी का मौसम दोनों खुदा के बनाए हुए मौसम हैं। सर्दी का मौसम भी मोमिन के लिए हसीन तर है, क्या रातें तवील हैं इबादत के लिए, और इरशाद फरमाते हैं रातों की तोलानियत के एतबार से इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बेदारी नींद की लज्जत को बढ़ा देती है। बहुत गौर कीजिए, बेदारी नींद की लज्जत को बढ़ा देती है, और चूंकि रातें तवील हैं तो कयाम हसीन लगता है, और दिन छोटे हैं तो रोज़े बड़े अच्छे लगते हैं।
सर्दी के मौसम में रात भी काम की है और दिन भी काम का, दिन छोटा तो रोज़े अच्छे गुजरते, रातें तूलानी हैं तो खुदा से बातें करने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। इमाम फरमाते हैं इसी उनवान के तहत में कि अगर इंसान चाहता हो कि उसके खाने में लज्जत हो जाए तो भूख इंसान के खाने की लज्जत को बढ़ाती है। एक जुमला काफ़ी है, हम वक्त देख कर खाते हैं, इमाम चाहते हैं हम ख्वाहिश को मद्देनिगार रख कर खाएं। जितना इंसान भूखा रहेगा उतना खाने में लज्जत पैदा होगी। मौला क्या बताना चाहते हैं? बताना चाहते हैं क़यामुल लैल और सयामुन नहार, रात की इबादत और दिन का रोज़ा इंसान के दोनों मामलात को बेहतर करता है। नींद भी अच्छी हो जाती है और खुराक में भी मज़ा आता है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दो जुमले थे, और उसके बाद गौर कीजिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान के लिहाज से गर्मी की बहस छोड़ता हूँ, सर्दी की बात कर रहा हूँ। सर्दी की बात में इमाम ने इस मौसम को मौसम इबादत करार दिया है, और ऐसा है कि वाकई सोचिए कि 6 बज जाते हैं सुबह की अजान के करीब, पहुँचते पहुँचते इतनी तूल रात में, इतना तूल है कि आप चाहें तो इत्मीनान से सो सकते, मगर माह रजबुल मुरज्जब में उसकी याद में जो नहीं सोया सिवाय बिस्तर रिसालत के, तो जागना सीख लीजिए। हो सकता है रजब दोबारा ना मिले, तो रजब की अहमियत, उससे पहले एक जुमला, बहरहाल बहुत सख्त जुमला है, और जो पूछा गया मराजे उज़्ज़ाम की खिदमत में, ख़ास तौर से वो जो गैस की शॉर्टेज के एतबार से बाज़ लोग पंप इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से सक्शन पंप लगा कर गैस अपने घर में ज़्यादा ले ली जाए, इसका मसला कि शरण ऐसा लगाना, ऐसा करना जायज़ है कि नाजायज़ है? जवाब यह है आगा सिस्तानी की तरफ से, फरमाते हैं अगर हुकूमती कानून की खिलाफ वर्जी हो तो इसका इस्तेमाल शरअन जायज़ नहीं है, और जहाँ तक हमारी मालूमात हैं इदारे के एतबार से तो इदारे की तरफ से ये इलीगल है, इसका इस्तेमाल कानूनन जायज़ नहीं है। ऐसे आग जलाने का क्या फ़ायदा जो वहाँ की आग की तैयारी कर दे? तो याद रखिए वही इस्तेमाल कीजिए जो हलाल है, ताकि यहाँ की तकलीफ वहाँ की राहत का बाइस बने। और जब कभी परेशान हो जाइए तो जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए खुदा की बारगाह में दस्त दुआ बुलंद कीजिए। खुदा ने तो हर नेमत पाकिस्तान को दी है, लेकिन क्या कीजिए इस नेमत को आप तक पहुँचाने में रुकावट निज़ाम है। खुदा करे निज़ाम ऐसा बदले कि इमाम आदिल से मोहब्बत करने वाले निज़ाम को संभाले। असल बात पढ़े मोहम्मद वाले इंतहाई इख्तिसार के साथ, रजबुल मुरज्जब के बहुत सारे अनावीन हैं, बहुत सारे पैगामात हैं, इन सारे पैगामात को बयान करना मुमकिन नहीं है, बस याद रखें जितने आमाल बयान किए गए उसका खुलासा कर देता हूँ। क़यामत में रजब के एतबार से आपको पुकारा जाएगा, आईना अर रजबियून, कहाँ हैं रजब का इकराम करने वाले, कहाँ हैं रजब का एहतराम करने वाले। रजब का इकराम और एहतराम कैसे होगा? रजब का इकराम और एहतराम होगा दुआओं से, तस्बीहात से, दुरूद की तिलावत से, सूरह इखलास की तिलावत से, कलमा तैयबा की तिलावत से, रोज़े से। और जब पूछा गया या रसूल अल्लाह अगर कोई रजब का रोज़ा ना रख सके तो क्या करे, तो इरशाद फरमाया वो हर एक रोज़े के बदले रोटी दे। अल्लाह अकबर, इससे आप कहते हैं एक मुद तो आम,
अल्लाह के हबीब ने रोटी के लफ्ज को इस्तेमाल किया है, अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते माह रजब का, तो हर रोज़े के बदले वैसे ही फ़िदिया दें जैसे माह मुबारक या रमज़ान में देते हैं। फिर जब साहिल ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अगर कोई इतना ही गरीब हो कि रोटी भी ना दे सके, फिर आपने फरमाया फिर वो तस्बीहात की तिलावत करे। किताब मफातीहुल जनान में तस्बीहात मौजूद हैं, तफसील का वक्त नहीं है, सारे के सारे आमाल पे तवज्जो दीजिए। लेकिन याद रखिए माह रजब असलन ऐसा है जैसे हरम के दर तक पहुंचा दिया, माह शाबान ऐसे जैसे हरम के सहन के अंदर पहुंचा दिया, माह रमज़ान ऐसे जैसे ज़रीहे इमाम तक पहुंचा दिया, फिर शब कद्र ऐसे जैसे कब्र मासूम से लगा दिया। तो ये सब तसलसल है कि खुदा ने इस माह मुबारक में, अब एक तो उन्वान गुजर चुका लैलतुल रगाइब का, रगबतों की रात तो चली गई, अभी रोशन रातें बाकी हैं, शब 13, शब 14, शब 15, ये तीन रोशन रातें हैं और इनकी वजह से रोशन दिन हैं। 13, 14 और 15 तारीखें माह मुबारक रजब, माह मुबारक शाबान, माह मुबारक रमज़ान, और इसके दरमियान इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जुमला सुना, आप फरमाते हैं खुदा ने किसी उम्मत को ये तीन महीने ऐसे नहीं दिए, रजब शाबान और रमज़ान, माह रमज़ान, तीन मुबारक महीने खुदा ने किसी उम्मत को नहीं दिए, इस उम्मत को दिए हैं। और ये तीन रातें खुदा ने किसी और उम्मत पर ऐसा करम नहीं फरमाया जैसा इस उम्मत पे फरमाया है, और तीन सूरे खुदा ने इनको ऐसे अता किए जो किसी और को अता नहीं किए, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह इखलास। इमाम फरमाते कमाल ये है, अब जो इन सब को जमा कर ले, वाला जमा कैसे करें, का पहली शब रोशन रातों की पहली शब 2 रकत नमाज, दूसरी शब 4 रकत नमाज, तीसरी शब 6 रकत नमाज, इन 2, 4 और 6 रकत नमाजों में इन तीन सूरों की तिलावत अल्हम्द के बाद, सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह इखलास, ये 2 रकत, फिर 4 रकत नेक्स्ट डे, फिर 3rd डे 6 रकत, माह रजब, माह शाबान और माह मुबारक रमज़ान, इन सब को हासिल कर लिया जाए। इमाम फरमाते खुदावंद आलम फिर इंसान के सारे गुनाह बख्श देता है सिवाय गुनाह शिर्क बिल्लाह के। बात तमाम हो गई बहुत सारे मसाइल को समेटते हुए कि इस माह मुबारक के फ़ज़ाइल में खुदावंद आलम मुझे और आप सबको जितना हो सके बरकतें हासिल करने की तौफीक अता करें, और अगर बरकतें हासिल ना कर सकें तो कम से कम इस बात से बचाएं कि इस माह मुबारक में हमसे कोई गुनाह सादिर हो। अय्याम मीलाद मासूमीन हैं और बहरहाल बाज़ अफराद को बहुत महसूस होता है कि हम ये क्यों कहते हैं कि म्यूज़िक ना सुना जाए, जिसको महसूस होता है महसूस करे, हम तो अपने जवानों से मोहब्बत करते हैं इसलिए बयान करते हैं कि ताकि गुनाह में पड़ने का इम्कान भी ना रहे। और इस हद तक खौफनाक अंदाज से अब ये मनकबतें, अब ये मौला की मिधतें फिर म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल की जा रही हैं, ये सख्त तरीन मंजिल है। फैसला फैसला हमने और आपने करना है, इमाम के आने के बाद ऐसा ना हो कि हम कहें ये कौन सा दीन लेकर आए हैं, इसमें मनकबत मिसले सोच के दिखाई देती, समझाने की बात कर रहा हूँ। याद रखिए हलाल हलाल मोहम्मद कयामत तक हलाल है, और हराम हराम मोहम्मद कयामत तक हराम है। ऐसा दीन ना बदलिए कि फिर इमाम के आने के बाद इमाम समझ में ना आए। इसलिए रविश सुन्नत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहिए।
हर वो म्यूजिक हराम है जो लहव लाब में इस्तेमाल होता और उसके अलावा बाकी के हलाल होने का फतवा दिया गया, लेकिन हर हलाल खाया तो नहीं जाता। हलाल तो बहुत कुछ है, बस ख्याल रखिए कि कभी कभी इंसान हलाल भी छोड़ देता है अगर हलाल के नुकसान पहुंचाने का अंदेशा हो। जैसे मैंने अभी कहा, अगर खाना पाक और पाकीज़ा है और डर लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे बचने का तरीक़ा मासूम ने बयान किया। खुदा मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رحمة سيد المرسلين علي بن أبي طالب سيد الوصيين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بعبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد عبائه على قلبك المودي النبي وارث علم الموصيين من الوصيين الذي بمقائه بقيت الدنيا بهم نهي الرزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين تمام تعریفیں پروردگار تقویٰ اور مغفرت کے لیے اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گانے تقویٰ اور مغفرت کے لیے۔ اما بعد، اپنے نفس کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے مسلسل گناہوں سے بچنے کی دعوت مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ شاید یہ انسان کے نفس کا مسئلہ شیطان کا بہکاوا ہو کہ گناہ کر لو، توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، لیکن گناہ کے بعد زندگی کا راستہ کتنا ہے یہ تو خبر نہیں۔ اور کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم توبہ کریں خدا قبول ہی کر لے گا؟ ایسا تو نہیں ہے جیسا ہم نے خیال کیا ہے، اس لیے کہ توبہ کرنے والے کیسے توبہ کرتے ہیں کہ ان کا گوشت پگھل کر رہ جاتا ہے۔ توبہ کرنے والے خالی کان کھینچ کے منہ پہ تماچے نہیں مار لیتے،
बल्कि ऐसे तौबा करते हैं कि उनका पेट उनकी कमर से लग जाता है। ऐसी तौबा तो हम कर भी नहीं पाएंगे, तो फिर गुनाह क्यों करें? इससे बेहतर नहीं है कि अपने आप को गुनाहों से रोक लें कि तौबा नेकियों से ज़्यादा सख्त है। तौबा बच्चों का खेल नहीं है कि चाहा जब तौबा कर ली और जब चाहा गुनाह कर लिया। खुदा मुझे और आप सबको तक्वा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। यकीनन माह रजबुल मुरज्जब के तमाम मसाइल के साथ साथ दो तीन जुमले आपकी खिदमत में वक्त तमाम हो रहा है। हालात व वाकयात के लिहाज से इस्तकामती महाज की बात करूँ फ़लस्तीन में, अल्हम्दुलिल्लाह जुल्म तो बहुत किया जुमेरात के दिन जनीन के इलाके में, वो कैंप लगे हैं मुहासरीन के, और ऐसा जुल्म किया कि 10 जवानों को शहीद कर दिया स्टेट फायरिंग करके, 19 को ज़ख्मी कर दिया। अब जब उन शहीदों के जनाजे उठे तो ये सारे के सारे सेहोनी फौजी कमांडोज भाग निकले। ये क्या खैबर में जाके खैबर बसाएंगे, उसको अपने साथ मिलाते हुए कि जो समझ रहा है कि शायद सकाफत के नाम पर खैबर आबाद करेगा। याद रखें, हम खैबर डे मनाएंगे। रजब का महीना खैबर का महीना है, 24 रजब है खैबर का दिन। ऐसे मनाइए कि आज के यहूदी समझ लें कि अगर कल का अली वो था तो आज का अली मेहदी आखिरुज़्ज़मान है। दूसरा जुमला कुरान के बारे में क्या बात करें, यूरोपियन ममालिक में दो ममालिक में कोताही और जुल्म किया गया कि आज़ादी इजहार राय के नाम पर कुरान जलाया गया। हैरत है, आज़ादी इजहार राय के नाम पर कभी बाइबल जलाई नहीं गई। इसका मतलब समझ लीजिए कि इस्लाम के दर्द रखने वाले कभी ऐसा जुर्म नहीं करते। पहचान ले जमाना। और रहबर मौज़म का जुमला काफ़ी, फरमाते हैं ये कुरान को जलाना बता रहा है कि ये हसद है, ये कुरान का मुकाबला ना करने का उनवान है। कुरान बढ़ता जा रहा है, तुम जलाते चले जाओ, तुम्हारे जलाने से कुरान ख़त्म नहीं होगा। कुरान कल भी कामयाब किताब खुदा थी और आज भी कामयाब किताब खुदा है। तो ये कुरान की अजमत की दलील है कि ना कुफारे मक्का जवाब ला सके। हिम्मत है तो जलाने के बजाय जवाब लाओ ना। जो जवाब ना ला सके वो कभी कुरान जलाते हैं, कभी फातिमा का घर जलाते हैं। जवाब ना ला सके समझ लीजिए कि जलाने वाला कौन है। कुरान की अजमत के लिए भरपूर मुजम्मत तमाम आलम इस्लाम की, आलम इस्लाम के साथ अहले ईमान की, कुरान जलाने वालों के खिलाफ। इसने तारीख में कुरान जलाए अव्वल से आज तक, उन सब जलाने वालों पे खुदा की लानत हो। और जो आज से कयामत तक जलाएंगे उन पर भी इन एडवांस खुदा की लानत हो। खुदा हम सबको कुरान की शफाअत नसीब करे। खुदा हम सबको वारिसाने कुरान की मोहब्बत अता करे। बस गुफ्तगू तमाम करते हुए सारे मसाइल को छोड़ते हुए याद रखें, एक तरफ तोहीने सहाबा के बिल की मजम्मत कि जहाँ वही अंदाज इख्तियार किया जाएगा कि जैसे वहाँ आज़ादी इजहार राय है, यहाँ तोहीने सहाबा बिल की आज़ादी है। तो हम मजम्मत करते हैं मिन हैसे पाकिस्तानी कौम की कोई ऐसा कानून न पास किया जाए जिससे फ़िरका वारियत को आग लगाने का मौका मिले। सब मुसलमान इस्लाम पर, कुरान पर, सहाबा इकराम की शान पर यकीन रखते। परवरदिगार हमारे मुल्क को फितनों से महफूज फरमाए। और आखिरी बात आपकी खिदमत में कि हो सकता है रजब एक खुशी और एक गम, खुशी उसकी जो काबे में आया,
और गम उसका इसे बगदाद के पुल पर छोड़ दिया गया। एक खुशी और ऐसी खुशी कि रजब की 10 तारीख को शहजादे अली असकर की आमद, इमाम तकी जवाद की भी आमद, मौला की आमद और मौला के जद के घर में छोटे मौला की आमद। और ऐसा शहजादा है अल्लाहु अकबर कि अगर कोई 10 रजब को अपने घर में मिलाद रखे इमाम तकी जवाद की मोहब्बत में शहजादे अली असकर के नाम से, तो खुदा उसे साहिब औलाद कर देता है। 6 महीने के बच्चे को गोद में लिए हुए हुसैन आपको याद कर रहे थे। अब आपको चाहिए आप मौला को याद करें, मौला के बच्चों को याद करें। वो बहुत सख्त वक्त था जब इमाम ने बच्चे के गले से तीर खींचा था। इसलिए कि खून का फव्वारा गले से निकल रहा था। जहरा के लाल ने ना आह की, ना फरियाद की, ना बद्दुआ की। उस खून को ना आसमान ने कबूल किया, ना जमीन ने कबूल किया। इमाम ने अपने चेहरे पे मला, छोटी सी मैयत लिए हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए जानिब खैमा चले गए। परवरदिगार वास्ता शहजादे अली असगर बाबुल हवाइज का तमाम मांगने वालों की मुरादें पूरी फरमा, तमाम शरपसंदों से, हासिदों से, तमाम मुनाफिकीन से हमारे इदारों को, हमारे इलाकों को महफूज फरमा, हमारे मुमलिकत, हमारे वतन अजीज को महफूज फरमा। बारला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस महंगाई के दौर में अहले ईमान की इज्जतें महफूज फरमा, इस महंगाई के दौर में खुदाया रिस्क हलाल में बरकतें अता फरमा। परवरदिगार मुश्किल तरीन दौर में हमें हमारे इमाम से करीब कर दे, इमाम अलैहिस्सलाम को हमसे राजी कर दे, इमाम अलैहिस्सलाम के जहूर में ताजील फरमा, हम सब को हमारे मरहूमीन के समेत इमाम के गुलामों में मशहूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मद व आलिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर रहीमीन।